सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम प्रणाम सलाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उपस्थित हो गया हूँ भाई आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में सी नारायण लेकर दिन विशेष 19 अप्रैल के, जी हाँ, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सवाल और आज का सुविचार, जी हाँ बहन और भाइयों, तो सब कुछ लेकर हाजिर हो गया हूँ ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारियों से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये रहा आज का सुविचार, अपने आप को सफल और बेहतर इंसान बनाना चाहते हो तो दूसरों की खुशी से जलने की बजाय उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। जी हाँ, फिर एक बार जी आज का सुविचार, अपने आप को सफल और बेहतर इंसान बनाना चाहते हो तो दूसरों की खुशी से जलने की बजाय उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। जी हाँ बहनों भाइयों, तो दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तो चलिए अब आज का सवाल, किस शहर में 5-5 सूरज दिखाई देते हैं? जी हाँ बहनों भाई, बहुत ही अटपटा और बढ़िया सवाल है, किस शहर में 5 सूरज दिखाई देते हैं? तो सोचिए और सवाल का जवाब ढूंढिए। अगर आप ना दे पाए तो एक कष्ट उठाएं, वीडियो अंत तक देखें, अंत में इस सवाल का जवाब मैं दे ही दूंगा। तो चलिए इस वादे के साथ आप चलते हैं अगले दिन विशेष की ओर। आज विश्व लीवर दिन है। जी हाँ, यकृत, तो ये यकृत से जुड़े हुए बीमारियों के संदर्भ में उनके प्रति जागरूकता करना ये आज के दिन का मूल उद्देश्य है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं भाई आज के दिन विशेष की ओर, जो है 19 अप्रैल के, जिसमें सबसे पहले ये रहे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1451 में बहलोल लोदी, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति रहे, जेम्स कुक। 1775 में अमेरिकी राज्य क्रांति शुरू हुई। 1852 में कैलिफोर्निया हिस्टोरिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1910 में हैली, ये पुच्छल तारा, पहली बार खुली आंखों से देखा गया। 1919 में अमेरिका को लेस्ली इरविन, इन्होंने ये पैराशूट से इन्होंने पहली बार छलांग लगाई। 1936 में फिलीपींस के यहूदी के विरुद्ध दंगे शुरू हुए। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री रहे। 1972 में बांग्लादेश राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ और सदस्य बन गया। 1975 में सोवियत रशिया की मदद से पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। 1982 में नासा ने सैली राइड, इसको पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का नाम दिया। 1989 में अफ्रीकी देश सियेरा लियोन, ये गणतंत्र घोषित किया गया। 1999 में BBC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका आरंभ करने की योजना उन्होंने बनाई। 2003 में चीन की भारतोलक महिला, भारतोल ये खेल है, तो भारतोलक महिला बांग मिंग चान, ये महिला का नाम है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड किया भारोत्तोलन में। 2005 में जर्मनी के
कार्विनल योसिफ रनसिंगर ये कैथोलिक चर्च के नए पोप बने। 2006 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग इनको उन्हीं के द्वारा लाया गया चांद का टुकड़ा भेंट किया गया। 2011 में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के केंद्रीय समिति में 45 वर्ष तक बने रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ₹1526 में मुगल सम्राट बाबर इनके द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1945 में सोवियत रशिया और ग्वाटेमाला इनके बीच राजनयिक संबंध प्रस्थापित हुए। 1948 में ब्रह्मदेश का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश। 1956 में गीत रामायण का अंतिम गीत पुणे आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हुआ। 1882 में कलकत्ता में पहले प्रसूति गृह यानी हॉस्पिटल की स्थापना की गई। तो ये हुए भाई आज के क्या हुए ऐतिहासिक घटनाएं। जी हाँ, अब देखते हैं कुछ जन्मदिन। रोटरी क्लब के संस्थापक पॉल हैरिस इनका जन्म 1868 में हुआ। शिक्षा तज्ञ ताराबाई मोड़क 1892। नोबेल पारितोषिक विजेता अमरीकी रसायन शास्त्रज्ञ ग्लेन सीबोर्ग 1912। क्रिकेट अंपायर डिकी बर्ड 1933। उद्योगपति मुकेश अंबानी 1957। भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज 1977। रशियन लॉन टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा 1987। 17वें शताब्दी के अवध प्रांत के चौथे नवाब वजीर अली खान 1780। जर्मन लड़ाऊ वैमानिक एरिच हार्टमैन 1922। आंध्र पुरस्कार से सम्मानित और उस्ताद आमिर खान की शिष्या शास्त्रीय गायिका कलाकार कंकना बैनर्जी 1946। विनोदी अभिनेता अरशद वारसी 1968। अभिनेता मुकेश ऋषि 1956। मूर्तिकार चिंतामणि कर 1915। अभिनेत्री सुरेखा सिकरी 1945। अभिनेता हेमंत मेनन 1990। अभिनेत्री स्वाति रेड्डी 1987। तो ये हुए आज के जन्मदिन। और आज के अब स्मृति दिन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजरेली 1881। ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्विन 1882। नोबेल पारितोषिक विजेता फ्रेंच भौतिक शास्त्रज्ञ पियरी क्यूरी 1906। क्रांतिकारक अनंत कान्हेरे, क्रांतिकारक कृष्णाजी गोपाल कर्वे और क्रांतिकारक विनायक नारायण देशपांडे इन्होंने नासिक के जैक्सन को गोली मारने के कारण उन्हें फांसी दी गई। साल था 1910। ब्रिटिश भारतीय और वन्यजीव तथा लेखक जिम कॉर्बेट 1955। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आयुब खान 1974। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर
उत्तम राव पाटिल 1993, उद्योजिका विमलाबाई गरवारे 1998, भारतीय इंग्रजी खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद 2003, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सह संस्थापक जिनका नाम था नॉरिस मैकविहिर 2004, और मार्क्सवादी अहिल्याबाई रांगणेकर 2009। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। जी हाँ, लेकिन आज का सवाल जो बाकी है ना, तो सवाल का जवाब आपको देना है। जी हाँ, सवाल क्या था आपको याद है? सवाल था, किस शहर में 5 सूरज दिखाई देते हैं? तो चीन के उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में ये सूरज दिखाई देता है, चीन में दिखाई देता है। और ये आकाश में कोहरे पड़ने के कारण वहाँ पर 5 सूरज दिखाई देने का आभास होता है। -20 डिग्री इतना तापमान होना जरूरी होता है, और इस कोहरे के कारण ही ये प्रतिबिंब हमें 5 सूरज जैसा दिखाई देता है। ख़ास करके शीन नाई चून इस शहर में ये दृश्य दिखाई देता है। तो चलिए भाई, आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये आज की वीडियो लाइक करनी हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इसमें कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ अब मैं लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, दीजिएगा आज्ञा श्री नारायण को। नमस्कार, अलविदा।